190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया जबकि समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जीएनएन अदरीस अब्बासी। अदरीस, से समाअत से मुतालिक अपडेट दीजिएगा। जी देखिए, 190 मिलियन पाउंड रैप रेफरेंस में जो बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त थी उस पर समाज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने की है और अदालत ने जो है इस पर नोटिस जारी करके जो है वो जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि एतराजात ऑफिस ने एतराज लगाया कि जो डिपॉजिट के बगैर जो है वो नहीं होता। जब दरख्वास्त गुजार जेल में हो तो डिपॉजिट नहीं करना पड़ता। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर नैब को जो है वो नोटिस अदालत ने जारी कर दिए हैं। लतीफ होसा ने कहा कि हमने 497 की दरख्वास्त दी थी जो खारिज हो गई, तो ये बताए चीफ जस्टिस ने कहा कि तो ये बताएं कि यहाँ 497 आएगी या रिट आएगी। जिस पर लतीफ होसा ने कहा कि 497 हो या 498 इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जमानत बाद अज गिरफ्तारी है। अदालत ने लतीफ होसा को आईनी दरख्वास्त में गलती को दूर करने की हिदायत अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। जी समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। अदरीस अब्बासी, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।